Hello everyone, in this video lecture of information theory coding or digital communication, I am going to discuss one example of Huffman coding. I have taken this question from the AKTU paper, AKTU ITC paper, ITC paper of 2020-21, ठीक है? Question number is 4A, according to this question, find the Huffman D array code for these probabilities and probabilities की values ये given है एंड द एक्सपेक्टेड लेंथ. तो ठीक है, तो हम वन बाई वन करेंगे. सबसे पहले डी की वैल्यू क्या है, टू. टू मीन्स की बाइनरी कोड. डी इज इक्वल टू फोर मीन्स की क्वाडनरी कोड. ठीक, तो हम पहले करेंगे डी इज इक्वल टू टू. तो फर्स्ट स्टेप क्या होती है कि हमें प्रोबेबिलिटीज को अरेंज करना होता है इन डिसेंडिंग ऑर्डर. तो दीज प्रोबेबिलिटीज आर ऑलरेडी अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर. तो हमारी फर्स्ट स्टेप क्या हो जाएगी, पी वन, पी टू, पी थ्री, पी फोर, पी फाइव, पी सिक्स. वैल्यू क्या है, 6 बाई 25, 6 बाई 25, 4 बाई 25, 4 बाई 25, 3 बाई 25 एंड 2 बाई 25. ठीक है, दीज आर द मैसेजेस और दीज आर द प्रोबेबिलिटीज. ठीक है, ये हमारी प्रोबेबिलिटीज हो गई. नाउ फर्स्ट स्टेप, हमने इसको अरेंज किया. नाउ d इज इक्वल टू टू मीन्स कि जब हम इसका रिडक्शन करेंगे तो हम जो कोड्स लेंगे, मैसेजेस लेंगे. नाउ d इज इक्वल टू टू मीन्स कि जब हम नेक्स्ट स्टेप में रिडक्शन करेंगे तो हम टू मैसेजेस को कम्बाइन करेंगे. नाउ लीस्ट के टू को अगर हमने कम्बाइन किया तो ये होगा 3 + 2, क्या होगा, 5. नाउ अरेंज करेंगे अगेन इन डिसेंडिंग ऑर्डर, तो 6 बाई 25, 6 बाई 25 और इसका सम क्या आया, 5 बाई 25, दैट इज मोर देन 4 बाई 25. तो यहाँ आएगा 5 बाई 25, देन 4 बाई 25, देन 4 बाई 25. ठीक है, इसका कॉम्बिनेशन ये था, डन. नाउ अब हम किसे कंबाइन करेंगे इसे नेक्स्ट रिडक्शन में, तो 4 + 4 से क्या होगा, 8 इज ग्रेटर देन 6, तो यहाँ पर आएगा 8 बाई 25. ये किसका कॉम्बिनेशन था, इन दोनों का. ठीक है, नाउ 6 बाई 25, नेक्स्ट 6 बाई 25 एंड 5 बाई 25. नाउ नेक्स्ट कॉम्बिनेशन, इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो 6 + 5 से क्या मिलेगा, 11. तो 11 बाई 25, देन 8 बाई 25, देन 6 बाई 25. दिस 11 इज कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू. नाउ ऐड करेंगे इन दोनों को तो आएगा 14 बाई 25 एंड 11 बाई 25. ठीक है, नाउ इफ यू वॉन्ट टू चेक कि आपने सही किया है या नहीं, तो फाइनली इनका जो सम होगा वो इक्वल टू 1 आना चाहिए. तो अगर हम इन दोनों को ऐड करें तो हमें क्या मिलेगा, 25 बाई 25, विच इज इक्वल टू 1. तो ये हमारा सही है. ठीक है, अगर हमारी वैल्यू 1 आ गई मीन्स कि हमने परफेक्ट किया है. ठीक, नाउ अब हमें क्या करना है, अब हमें इनकी कोडिंग वैल्यूज देनी है. ठीक है, बाइनरी है मीन्स कि ओनली 2 बिट्स होंगी, 0 1. तो हमने लिखा 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1. नाउ अब दिस 14 25 इज कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू और इसकी वैल्यू क्या है, 0. तो हम इनके आगे पैड कर देंगे 0. नाउ दिस 11 बाई 25 इज कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू और 11 बाई 25 की वैल्यू क्या है, 1. तो यहाँ पर क्या आएगा, 1. ठीक है, नाउ दिस 8 बाई 25 इज कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू और इसकी वैल्यू क्या है, 0 0. तो इनके फ्रंट में क्या आएगा, 0 0. नाउ दिस 5 बाई 25 मीन्स कि दिस वन इज कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू और इसकी वैल्यू क्या है, 1 1. तो इसके सामने क्या आएगा, 1 1. ठीक है, तो दिस इज द वे. ठीक है, नाउ अब हम कोड चेक करते हैं कि हमारे कोड्स क्या बने. ये 6 बाई 25 था, फिर ये यहाँ गया, देन यहाँ गया. तो इसका जो कोड हुआ, यहाँ मैं कोड लिखती हूँ, फॉर दिस कोड इज 0 1. ठीक, नाउ फॉर दिस ये यहाँ था, देन यहाँ गया, इसका कोड क्या है, 1 0. ठीक है, नाउ 4 बाई 25 कोड क्या हो गया, 000. ठीक, नाउ दिस 4 बाई 25 दिस इज कोड इज 001, फॉर दिस कोड इज 110, इसके लिए कोड क्या है, 111. ठीक, तो ये हमें कोड वर्ड मिल गए. तो ये हमने फर्स्ट पार्ट किया, बट अब हमें इसकी एक्सपेक्टेड लेंथ चाहिए. एक्सपेक्टेड लेंथ मीन्स की एवरेज लेंथ. एवरेज लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, समीशन I इज इक्वल टू 1 to n. इन दिस केस क्या है, 6 है, मीन्स की हमारी वैल्यू क्या जाएगी, n 6 PILI. LI इज द लेंथ ऑफ पर्टिकुलर मैसेज. ठीक है, तो नाउ यहाँ पर अगर हम इनकी LI लिखें, LI यहाँ क्या है, 2 बिट 2 बिट 3 बिट 3 बिट 3 बिट 3 बिट. नाउ लेंथ क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई करते हैं,
टू मल्टीप्लाइड विथ सिक्स बाई 25 प्लस दिस टू मल्टीप्लाइड विथ सिक्स बाई 25 प्लस थ्री मल्टीप्लाइड विथ फोर बाई 25 प्लस दिस थ्री मल्टीप्लाइड विथ फोर बाई 25 प्लस दिस थ्री मल्टीप्लाइड विथ थ्री बाई 25 प्लस थ्री मल्टीप्लाइड विथ टू बाई 25। नाउ इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा, 12 बाई 25 प्लस 12 बाई 25 प्लस 12 बाई 25 प्लस 12 बाई 25 प्लस 9 बाई 25 प्लस 6 बाई 25। ठीक, मीन्स कि टोटल क्या होगा, 25 बेसिस सेम 12 12 12 12 मीन्स कि 48 48 प्लस 6 54 54 प्लस 9 63। ठीक है, ये वैल्यू आई। नाउ अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो व्हाट इज़ द वैल्यू, ये हमारी वैल्यू आएगी 2.52 बिट्स पर सिंबल। ठीक है, तो ये होगी एक्सपेक्टेड लेंथ व्हेन डी इज इक्वल टू 2। नाउ अब हम सॉल्व करेंगे व्हेन डी इज इक्वल टू 4। अब हम इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में व्हाट इज द डी एरे कोड, डी इज इक्वल टू 4। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस केस में हमें पता करने होंगे पहले टोटल नंबर ऑफ मैसेजेस। बाइनरी के लिए नहीं पता करना होता, बट इन दिस केस हमें फाइंड आउट करना होता है। तो टोटल नंबर ऑफ ओरिजिनल मैसेजेस n should be equal to d plus k d minus 1, where k is the number of reduction। ठीक है, now अगर यहाँ पर आप observe करो तो only one reduction is possible। तो यहाँ पर k की value क्या हो जाएगी, 1। तो number of symbol और messages कितने होने चाहिए, d is equal to 4 है, तो 4 plus 1, 4 minus 1 is equal to 4 plus 3 इज इक्वल टू 7। कितने होने चाहिए थे, 7, बट वी हैव 6 प्रोबेबिलिटीज, मीन्स कि हमें एक एक्स्ट्रा प्रोबेबिलिटी ऐड करनी होगी डमी P7, उसकी वैल्यू क्या होगी, 0। नाउ स्टार्ट करते हैं रिडक्शन, 4 मैसेजेस को कंबाइन किया। नाउ 4 प्लस 3 प्लस 2 इज 9, जो सबसे ग्रेटर है, तो 9 बाई 25 टॉप पे आएगा, देन 6 बाई 25, देन 4 बाई 25, नहीं 6, वन मोर 6 इज देयर, तो 6 बाई 25, देन 4 बाई 25। ठीक, नाउ इन एरी इन लास्ट स्टेप, अगर कोई भी डी एरे कोड है तो लास्ट में हमारे जो कोड्स होने चाहिए वो इक्वल टू डी होने चाहिए। तो हमारे पास 4 है, मींस कि दिस इज द लास्ट स्टेप। नाउ अब हमारा ये जो कॉम्बिनेशन था इसकी वैल्यू क्या थी, दिस वन। नाउ अब हम इनको कोडिंग करते हैं, कोडिंग करेंगे तो 0 1 2 3। नाउ 9 बाई 25 इज कॉम्बिनेशन ऑफ दीज प्रोबेबिलिटीज। ठीक है, और इनके कोड क्या होंगे, 0 1 2 3। नाउ बाई 25 इज कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू एंड इट्स कोड इज 0, तो ये हमारा इनके आगे वैल्यू पुट हो जाएगी। ठीक, नाउ कोड P1 के लिए कोड क्या हो गया, 1। P2 के लिए कोड क्या हो गया, 2। P3 के लिए कोड क्या हो गया, 3। P4 के लिए कोड क्या हो गया, 0 0। P5 इज 0 1, P6 इज 0 2। दिस वॉज डमी, तो इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। नाउ लेंथ, लेंथ इज इक्वल टू नंबर ऑफ डिजिट्स, यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ 2। ठीक, नाउ एक्सपेक्टेड लेंथ और एवरेज लेंथ, L बार इज इक्वल टू समीशन I इज इक्वल टू 1 to 6 PILI। नाउ मल्टीप्लाई करते हैं, 1 into 6 by 25 प्लस 1 into 6 by 25 प्लस 1 into 4 by 25 प्लस लेंथ क्या है, 2, तो 2 into 4 by 25 प्लस लेंथ इज 2, तो 2 into 3 by 25 प्लस 2, तो 2 into 2 by 25। नाउ फर्दर सॉल्व किया तो 6 by 25 प्लस 6 by 25 प्लस 4 by 25 प्लस 8 by 25 प्लस 6 by 25 प्लस 4 by 25। ठीक है, डिनोमिनेटर इज सेम, तो यहाँ क्या आएगा, 25, 6 प्लस 6 12, 12 प्लस 4 16, 16 प्लस 8, 16 प्लस 8 24, 24 प्लस 6 30, 30 प्लस 4 34। ठीक है, नाउ इसको हमने सॉल्व किया तो वैल्यू आई 1.36। व्हाट इज द यूनिट, क्वाडनरी।
क्वाडनरी, पर मैसेस और पर सिंबल, जो भी यहाँ पे यूज़ किया हो, तो मैं यहाँ पर सिंबल लिख देती हूँ. तो दिस इज़ द सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन. थैंक यू सो मच. स्टिल यू हैव एनी डाउट, प्लीज़ राइट डाउन इन कमेंट सेक्शन. थैंक यू.